जय बाबा विश्वकर्मा की जय। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको पता है कि आज विश्वकर्मा पूजा है, तो इसलिए मेरा ब्लॉग विश्वकर्मा पूजा के बारे में। तो आज आप लोग देखेंगे एक नया विश्वकर्मा के रूप, जिसमें है 5 सर है विश्वकर्मा जी का और 10 हाथ है, और उनके साथ हाथी नहीं है लेकिन हंस है। तो हंस पता है ना, डक। सो एलिफेंट नहीं है, डक है। तो यहाँ पे हम सारे फैमिली मेंबर्स अभी जा रहे हैं विश्वकर्मा जी को लेके। ये ढाक ढोल का आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि दुर्गा पूजा आ ही गया। द मोस्ट अवेटेड सेलिब्रेशन ऑफ बंगाली। यहाँ पे हम पहुँच गए अभी मेरे बुआ के घर, जहाँ पे ये विश्वकर्मा पूजा करते हैं हम लोग। जो लोग नए हो मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ये है मेरा फूफा जी और ये है मेरा बुआ जी। तो फूफा जी है आर्ट फर्नीचर का ओनर, तो वहीं पे आर्ट फर्नीचर शॉप में ये पूजा होता है विश्वकर्मा जी का। विश्वकर्मा पूजा भाद्र महीना का लास्ट दिन में किया जाता है। पुराने हिंदी संस्कृति में बोला जाता है कि विश्वकर्मा जी एक निर्माणकारी थे, एक वास्तुकार थे, जो इस दुनिया को बनाया है। ऐसा भी बोला जाता है कि बहुत सारा भगवान का अस्त्र विश्वकर्मा जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। विश्वकर्मा जी का पूजा सारे कारीगर लोग, आर्टिशियन लोग, आर्किटेक्ट लोग, मैकेनिक्स लोग, बिजनेसमैन, ये सारे लोग अपने दुकान या इंडस्ट्री में मनाते हैं। यहाँ पे हम सारे पुष्पांजलि ले रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग अपने गाड़ी, स्कूटर, बाइक, साइकिल, ट्रक, जो भी है व्हीकल्स, वो उसको अच्छे से धो के धोने के बाद हम लोग पूजा करते हैं। तो अभी पूजा समाप्त हुआ है, तो हम लोग सारे अभी प्रसाद वगैरह लिए हैं। तो ये है शाम का सीन, जहाँ पे सारे लोग थोड़ा बहुत मस्ती की है, डांस की है एक साथ। Thank you.
यू सब लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। बाय बाय, टाटा।